हेलो दोस्तों, तरंगो इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में आज का ये वीडियो होता है कि दोस्तों, जो पुराना वाला सीडी डीवीडी जो होता है उसको ब्लूटूथ जो होता है ब्लूटूथ कनेक्शन कैसे करें। तो दोस्तों, ये पुराना वाला एक सीडी होता है, तो इसका जो पीछे पीछे साइड देखिए, जो ऑडियो आउटपुट होता है और वीडियो आउटपुट होता है, आरएफ आउटपुट होता है। और दोस्तों, ये जो सीडी होता है, ये शुरू से देखा था कि पहले ओपन कर दिया हूँ बैक कवर, तो दोस्तों ये ट्रांसफार्मर है और ये जो लोडर जो मैकेनिज्म होता है यह है, और दोस्तों ये पावर सेक्शन होता है। तो दोस्तों, ये पावर सेक्शन जो होता है, इस पर दो सप्लाई होता है जो ट्रांसफार्मर से आता है, और ये ऑडियो आउटपुट आईसी होता है जो ऑडियो ये पावर बोर्ड पर ही है। तो दोस्तों, ये ऑडियो जिस सेट पर ओके है उस पर ब्लूटूथ कनेक्शन हो जाएगा, ब्लूटूथ से साउंड आउटपुट मिलेगा। दोस्तों, इस सेट पर देखिए दो रेगुलेटर होता है कि एक 5 वोल्ट आउटपुट करता है और 8 वोल्ट आउटपुट करता है। ये दो रेगुलेटर ये जो सीडी का जो मदरबोर्ड होता है इसी को चलाता है। तो दोस्तों, जब ब्लूटूथ कनेक्शन करे तो दोस्तों ये जो बैटरी होता है 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ से आउटपुट होता है, और ये जो मेन जो पावर बोर्ड होता है इस पर आता है। तो मेन जो काम इस पर मैं करूँगा दोस्तों, इसी के लिए एक जो ब्लूटूथ डिवाइस होता है ये आपको ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है। इस पर भी FM और USB भी चलाना सॉरी, ये जो ब्लूटूथ डिवाइस होता है इस पर USB कनेक्ट कर सकते, USB जो मोबाइल से आप चलाना सकते हो। जो ये डिवाइस होता है इस पर एक रिमोट मिलता है दोस्तों, देखिए ये डिवाइस से आप FM भी चला भी सकते हो। और दोस्तों, इस पर कौन कौन चीज़ मिलता है एक बार ओपन करके देख लीजिए, तो मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये एक ऑडियो डिवाइस होता है, और दोस्तों वीडियो भी डिवाइस मार्केट में मिलता है, जो MPG 4, MPG 5, 3GP सभी वीडियो आउटपुट होता है ये PCB से। दोस्तों, ये सिर्फ ऑडियो डिवाइस होता है, ये से सिर्फ ऑडियो आउटपुट होगा। तो दोस्तों, इसके ऊपर मैं ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, तो दोस्तों मैं एक एक करके सभी क्लियर कर देगा किस तरह आसानी से कनेक्शन कर पाओगे। तो दोस्तों देखिए, एक रिमोट होता है ये ऑपरेट करने के लिए, और दोस्तों ये जो ब्लूटूथ पोर्ट देखा जाता है दोस्तों, इस पर आप डायरेक्ट USB कनेक्ट कर सकते हो, और जो MicroSD कार्ड भी कनेक्शन करते हो, ऑक्स जो मोबाइल से कनेक्शन कर सकते हो। तो दोस्तों, इस पर जो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम इस पर भी है, और दोस्तों देखिए PCB का जो अंदर जो कनेक्शन एक बार देख लीजिए, ये सेंसर होता है बाय साइड, दोस्तों देखिए सेंसर होता है, और ये दो कनेक्टर भी देखा जाता है कि दोस्तों देखिए। और दोस्तों, ये दो काला वाला प्लास्टिक देखा जाता है कि जब स्क्रूप करे उसको ढकना, ये छोटा वाला काला वाला जो प्लास्टिक वो यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों, ये दो वायर होते हैं जो पावर सप्लाई देने के लिए, और दोस्तों जो आउटपुट मिलता है ये डिवाइस से वो कनेक्शन इस वायर से कर सकते हो। और दोस्तों, ये वायर से भी आप एंटेना कनेक्शन मिलता है, ऐसे भी एंटेना जो FM चलाने के लिए एंटेना कनेक्शन कर सकते हो। तो दोस्तों, एक एक करके मैं सभी दिखा दूंगा, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए। तो ये वीडियो देखने के बाद आप आसानी से पुराना वाला CD हो और DVD हो उसी के साथ आप ब्लूटूथ चला सकते हो। तो दोस्तों, ये पावर केबल होता है, पावर कॉर्ड होता है,
इस पर जो दो कनेक्शन होते हैं, एक नेगेटिव होता है और एक 5 वोल्ट सप्लाई के लिए कनेक्शन मिलता है। तो दोस्तों ये मैं और भी अच्छा करके और क्लियर करके आपको समझा देता हूँ। दोस्तों ठीक से देख लीजिए, इधर वाला जो पॉइंट होता है, मैं कैमरा थोड़ा सा क्लियर करके दिखा देता हूँ। दोस्तों देखिए, ये जो पिन होता है 5 वोल्ट सप्लाई के लिए, उसका पाथ नेगेटिव होता है। और दोस्तों इधर वाला जो कनेक्शन देखिए, लेफ्ट और राइट ऑडियो कनेक्शन आउट होता है और मिडिल भी ग्राउंड और एक एंटेना होता है। दोस्तों इधर एंटेना पिन होता है। और दोस्तों ये एक छोटा वाला छेद देखा जाता है कि ये भी एंटेना का कनेक्शन होता है, ये FM का एंटेना का कनेक्शन होता है। दोस्तों और भी क्लियर करके दिखा देता हूँ। दोस्तों देखिए, ये जो पॉइंट होता है, यह पिन से आप एंटेना कनेक्शन कर सकते हो, जो FM का एंटेना होता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इस पर भी जो ऑक्स कनेक्शन होता है, ये जो पिन देखा जाता है, यहाँ से तार निकल के आप कनेक्शन कर सकते हो। और इस पर डायरेक्ट भी एक ऑक्स पिन लगा है, तो यहाँ से डायरेक्ट ऑक्स भी आप चला सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो जो ब्लूटूथ डिवाइस होता है, मैं देखा दिया, आइए सीडी पर ले चलता हूँ। तो दोस्तों ये जो सीडी होता है, इसका जो मैकेनिज्म होता है, जिसको लोडर कहते हैं, पहले ये जो चारों स्क्रू होते हैं, पहले ओपन कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं ओपन करके देखा देता हूँ कि दोस्तों देखिए, ये पूरा सीडी से आउट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो पुराना वाला सीडी और डीवीडी होता है, कि पहले ये साफ कर लीजिए अच्छा करके, और जो आयर होता है, इसका कोई मतलब नहीं है जो ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्शन करने करके लिए। सेफ दोस्तों, देखिए ये सामने वाला जो लोडर, जिस पर हम लोग सीडी इनपुट करता है, इसका एक ढक्कन है, तो पहले ढक्कन को आउट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये ढक्कन मैं आउट कर देता हूँ। दोनों साइड तो स्प्रिंग होता है, आप स्प्रिंग खोल सकते हैं, अच्छा है, तो नहीं पाओगे तो थोड़ा सा काट के आउट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं ये आउट कर दिया है। और जो ब्लूटूथ डिवाइस होता है दोस्तों, ये पैनल वाला ब्लूटूथ डिवाइस होता है। और दोस्तों मार्केट पर और एक भी ब्लूटूथ डिवाइस मिलता है जो उसका पैनल नहीं है, तो मैं पैनल जो डिवाइस होता है, इसका ऊपर ही वीडियो बना के दिखाता हूँ। दोस्तों ये जो डिवाइस, इस तरह आप सेट कर दीजिए, मैं सेट करने के बाद फिर भी एक बार देखा दूँगा। ठीक है दोस्तों, आइए उसके बाद क्या देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो सीडी होता है, पहले सीडी को लाइन दीजिए। देखिए डिस्प्ले पर, डिस्प्ले प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा सा लाइन दिखा जाता है। तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, जो ऑडियो होता है, ऑडियो एक बार टेस्ट करना पड़ेगा, इसलिए जो आउटपुट होता है ऑडियो आउटपुट, इस पर स्पीकर कनेक्शन कर दीजिए। दोस्तों इस पर जो वॉल्यूम जो स्विच होता है, वॉल्यूम का जो मिडिल पिन, इस पर टच करने का देखिए, एक ऑडियो सुनाई देगा, तो इसका मतलब होता है कि ऑडियो ओके है। दोस्तों ये वॉल्यूम का मिडिल पिन से ऑडियो निकलता है, चेक करने का समय ये टच करना, टच करके देखिए जो ऑडियो इस तरह साउंड निकलता है। ठीक है दोस्तों, ये ऑडियो टेस्ट तो हो गया, तो इस पर जो ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्शन हो जाएगा और साउंड भी आउटपुट देगा। तो दोस्तों उसका बाद जो वोल्टेज डिवाइस के लिए ज़रूरी होता है, वो है 5 वोल्ट। तो ये सीडी पर दो रेगुलेटर होते हैं, एक 8 वोल्ट और 5 वोल्ट के लिए। दोस्तों देखिए, ये रेगुलेटर पर दो सप्लाई इनपुट होता है, 12 से 17 वोल्ट, वो भी इनपुट होता है और आउटपुट होता है 5 वोल्ट और 8 वोल्ट। दोस्तों देखिए ये दो रेगुलेटर, ये से 8 वोल्ट, और दोस्तों ये जो रेगुलेटर होता है नीचे नीचे वाला, यहाँ से देखिए दोस्तों 5 वोल्ट आउटपुट होता है। तो दोस्तों ये USB डिवाइस के लिए 5 वोल्ट रेगुलेटर, ये जो 5 वोल्ट आउटपुट होता है, इसी काम पे आएगा। ठीक है दोस्तों, और 8 वोल्ट का कोनो मतलब नहीं है इसमें। तो दोस्तों इसके बाद क्या करना पड़ेगा, तो
तो दोस्तों देखिए, जिस पिन से 5 वोल्ट आउटपुट होता है, इधर भी एक वायर होता है, इस सेफ वायर को अब मैं काट के दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए ये नीचे वाला जो वायर देखा जाता है कि ये 5 वोल्ट यहाँ से आउटपुट होता है, मैं काट के अलग करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों देखिए, ये वायर मेन पावर बोर्ड से रेगुलेटर पर कनेक्ट है, ठीक है, और जिस पिन से 5 वोल्ट आउटपुट होता है, ये वायर को मैं काट दिया, जैसे 5 वोल्ट आउटपुट होता है। और दोस्तों उसके बाद जो मिडिल पिन होता है, ये नेगेटिव होता है, ये मैं पूरा नहीं काटेगा, इसमें से अलग कर लेता हूँ, ये जॉइंट वाला वायर से अलग कर लेता हूँ। बहुत ही आसानी से कैसे ऐसे वोल्टेज आउटपुट मैं निकालता हूँ, ये मैं दिखाता हूँ। अब नेगेटिव जो कनेक्शन कोई भी जगह से आप ले सकते हो, ठीक है दोस्तों, कोई भी सेक्शन से आप नेगेटिव कनेक्शन ले सकते हो। मैं यहाँ पर जो मिडिल पिन नेगेटिव होता है, यह से ही मैं लेता हूँ, ठीक है। देखिए इस तरह वो जो आयरन होता है वैसे हिट कर दीजिए, और जो वायर का कवर होता है वो आउट कर दीजिए, ठीक है दोस्तों, ये वायर नहीं काटना, ठीक है। तो ये जो मिडिल पिन निकलता है, ऐसे नेगेटिव में ले लेगा, ठीक है, और जो वायर पूरा काट दिया है वैसे 5 वोल्ट लेगा, ठीक है। तो ये वायर का जो मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ दोस्तों, ये बहुत ही आसानी है, आसानी से ब्लूटूथ कनेक्शन कर सकते हो। दोस्तों देखिए, पैनल में सेट कर दिया 2 स्क्रूप से, दोस्तों देख लीजिए, और ये जो ढक्कन था लोडर का, जो मैकेनिज्म होता है उसका जो ढक्कन था, वो मैं फेविक्विक से सेट कर दिया है काट करके, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह मैं सेट करने के बाद दोस्तों, यह से दोस्तों देखिए, जो कनेक्शन था 5 वोल्ट सप्लाई देने के लिए और एक नेगेटिव जो होता है, वहाँ से मैं किस तरह कनेक्शन करते हुए एक बार देख लीजिए। दोस्तों देखिए, ये आयर से तो 5 वोल्ट निकाला है, तो पहले से वोल्टेज चेक करके दिखाया, तो यह से वो जो ब्लूटूथ डिवाइस होता है उसका 5 वोल्ट सप्लाई में कनेक्शन कर देता हूँ, ठीक है। उसका बाद दोस्तों, जो नेगेटिव होता है उसका साथ, ये नेगेटिव होता है उसका साथ, इधर जो काला वाला नेगेटिव होता है इसका साथ मैं कनेक्शन काट देगा। तो छोटा एक वायर लेना पड़ेगा, मैगनेट लेके जॉइन करके कनेक्शन कर देता हूँ। सिर्फ ये सप्लाई कनेक्शन दोस्तों, ये कोई टॉप नहीं है, और दोस्तों जो डीवीडी होता है, डीवीडी का ये रेगुलेटर आईसी नहीं था, तो इसलिए वो जो पावर बोर्ड होता है वह से 5 वोल्ट आउटपुट होता है, तो वो 5 वोल्ट वह से आप कनेक्शन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। और जो सीडी होता है, सीडी से 5 वोल्ट और 8 वोल्ट रेगुलेटर मिलता है, इसलिए मैं यहाँ से कनेक्शन कर दिया, ठीक है दोस्तों। आइए उसका बाद मैं लाइन देके टेस्ट कट लेता हूँ कि दोस्तों देखिए, ये लाइन आ गया, ठीक है, ये सिर्फ सप्लाई देने के लिए टेस्ट किया। दोस्तों आइए फिर भी एक बार वोल्टेज चेक करके देखा देता हूँ कि यहाँ पर कितना वोल्टेज है। सेट अभी अनकंडेंसर कंडीशन पर है, दोस्तों देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट है, तो दोस्तों ये वोल्टेज तो मैं क्लियर कर दिया।
उसका बाद दोस्तों आइए ये जो वायर होता है इसमें दो ऑडियो आउटपुट होते हैं, एक लेफ्ट राइट और मिडिल एक ग्राउंड होता है, और दोस्तों एक एंटेना भी आउटपुट होता है। ठीक है दोस्तों, तो दो ऑडियो का साथ कौन जगह पर कनेक्शन करना पड़ेगा, तो इसलिए दोस्तों किस तरह चेक करें दोस्तों, ये पर बहुत वायर होता है। सभी वायर का पिन पर आप ट्वीजर लेके इस तरह टच कीजिए, ठीक है, जो मेन ऑडियो बोर्ड का साथ जो पावर बोर्ड होता है उसका साथ जो जो वायर कनेक्शन है वो तार को इस तरह टच कीजिए। देखिए एक ऑडियो सुनाई देगा, इसका मतलब होता है वो पिन ऑडियो इनपुट का पिन होता है। ठीक है दोस्तों, और लेफ्ट राइट दोनों साइड भी ऑडियो साउंड देखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इधर पिन ऑडियो मिलता है, ठीक है, जो दोस्तों यहाँ पर ऑडियो जाता है। तो दोस्तों ये मेन जो मदरबोर्ड होता है सीडी का, यहाँ से ये जैक ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो तीनों पिन होते हैं दोनों साइड ऑडियो इनपुट होता है और मिडिल पिन को ग्राउंड होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए इधर पिन ऑडियो है, तो ये पूरा कट कर दीजिए और दोनों साइड जो ऑडियो इनपुट होता है उस पर जो ब्लूटूथ डिवाइस का ऑडियो होता है वो कनेक्शन कर दीजिए, और जो मिडिल वाला नेगेटिव होता है वो नेगेटिव का साथ नेगेटिव ब्लूटूथ का डिवाइस का जो नेगेटिव होता है वो कनेक्शन कर दीजिए। ठीक है, बस यही सिर्फ कनेक्शन है, और भी कुछ भी कनेक्शन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए, मैं प्रैक्टिकली कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, दोस्तों ये पहले मैं नेगेटिव कनेक्शन काट देता हूँ, और दो जो ऑडियो होता है जो ब्लूटूथ डिवाइस से आउटपुट होता है वो भी मैं कनेक्शन कर देता हूँ। तो दोस्तों ये इस तरह कनेक्शन करने के बाद लास्ट में आप टेप कर दीजिए, जो ब्लैक टेप होता है वो भी टेप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं सिर्फ आप लोगों को देखने के लिए इस तरह कनेक्शन करके दिखाता हूँ, आप ये वायर को सोल्डरिंग भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं ये कनेक्शन कर दिया, उसका बाद मैं टेस्ट करके देखाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए मैं टेस्ट कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे ऑडियो जो होता है ब्लूटूथ डिवाइस का जो ऑडियो आउटपुट होता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो मूड जो ऑप्शन जो बॉटम होता है इस तरह आप चेंज कर सकते हैं, विभिन्न जो अलग अलग ऑप्शन होता है ब्लूटूथ FM, ये भी अलग अलग ऑक्स मोड चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों इस पर मैं एक मोबाइल लेके ब्लूटूथ कनेक्शन करके दिखा देता हूँ, देखिए कनेक्शन होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा सा रुकिए, मैं मोबाइल लेके इस तरह इस डिवाइस से कनेक्शन करके देखा देता हूँ। दोस्तों मेरा पास एक मोबाइल है दोस्तों, देखिए इसके साथ मैं ब्लूटूथ कनेक्शन करके दिखा देता हूँ।
proud to say that I've lost around 30 kg.